हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारीexam.com में, जो कि देता है अपडेट सबसे पहले। पाना हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट या किसी एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की जानकारी, एक नाम याद कर लीजिए, सरकारीexam.com। यहां मिलती है अपडेट सबसे पहले, इसलिए गूगल पे हमेशा ओपन किया करिए सरकारीexam.com। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF भर्ती के बारे में। स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, ठीक है, CRPF भर्ती। काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर CRPF की अगली वैकेंसी कब आने वाली है, उसके लिए आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, आवेदन शुल्क क्या होने वाला है, आप कैसे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे और किन पदों के लिए इस भर्ती को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, CRPF हेड कांस्टेबल और SI के लिए जो है भर्ती जारी कर दी गई है। 1458 पद हैं और योग्यता आपकी 12वीं पास है। इसके लिए आवेदन जो है वो भी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप भी CRPF हेड कांस्टेबल SI भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई तमाम अपडेट को पाते रहने के लिए। दोस्तों, CRPF हेड कांस्टेबल SI भर्ती को आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा गूगल पे, ओपन करना होगा सरकारीexam.com, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ आपको न्यू अपडेट के सेक्शन में और टॉप ऑनलाइन फॉर्म दोनों सेक्शन में देखने को मिल जाएगा CRPF हेड कांस्टेबल ASI ऑनलाइन फॉर्म 2023 स्टार्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे भर्ती से जुड़ी हुई सारी जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट नेम है यहाँ पे ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो है भर्ती निकाली गई थी, जिसका इंतजार काफ़ी सारे बच्चे कर रहे थे। पिछली बार जो CRPF की वैकेंसी निकली थी मिनिस्ट्रियल के लिए, उसके बाद से जो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कल से फॉर्म के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपका 25 जनवरी 2023 तक है। वहीं फीस पेमेंट जो करने की लास्ट डेट है वो भी 25 जनवरी 2023 है। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट भी इन्होंने बता दिया है, 22 से 23 फरवरी 2023 तक जो है आपकी परीक्षाएं चलेंगी। तो जैसे ही आवेदन करेंगे उसके एक महीने बाद आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा और बहुत ही जल्दी जो है इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। जैसे कि अभी पिछली CRPF भर्ती आई थी उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है लगभग होने ही वाला है, खत्म होने वाला है, तुरंत उसके बाद इस भर्ती को जारी कर दिया गया है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं देखा जाए SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। बच्चे अपना जो फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑफलाइन बैंक चलान द्वारा भी भर सकते हैं। ठीक है, भारत में कहीं भी इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिले से हों, किसी भी शहर से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 25 जनवरी 2023 को आवेदक की जो उम्र है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने पहले ही बता दिया था, 1458 पद होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल के लिए 1315 पद हैं, वहीं ASI के लिए 143 पद हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी डिटेल दी गई है, आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको 12th पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से, बस 12वीं पास आपको होना है तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए आपको 12वीं पास के साथ साथ स्टेनो भी आना जरूरी है। ठीक है, 12वीं पास तो जरूरी है, साथ में आपको स्टेनो की जो है टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए, तब आप ASI के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है, तो नीचे हमने यहाँ पे अप्लाई का लिंक दे दिया है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में सामने यहाँ पे लिंक लगी हुई है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जो है अप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर्म भरने से पहले, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा जो नीचे दिया गया है। यहाँ पे फॉर्म अब ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे आपको देखना है अपना पोस्ट भरना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट के लिए या हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, पोस्ट कोड भी यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही भरेंगे। फिर आपको अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, कंफर्म मोबाइल करना है। ठीक, दूसरा मोबाइल नंबर, वो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वो भी आप दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे टिक करके एग्री करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन पे, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन ID पूछा जाएगा जो आपने अभी रजिस्टर किया, आपके मोबाइल नंबर पर आ गया होगा, पासवर्ड आपने जो बनाया होगा वो आ गया होगा, यहाँ पे ये कैप्चा जो है उसको देख के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही फॉर्म ओपन होगा आपको बस एक एक चीज़ भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैनुअली फॉर्म भी दिया गया है, ठीक है, आप इसके थ्रू भी अपना
भर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारा दिया गया कैसे कैसे आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन दिया है, दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके बाद जैसे ही फॉर्म खुलेगा उसमें आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना, स्कैन कॉपी उसकी लगानी है, डिटेल ऑफ डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। एक एक स्टेप यहाँ पे बताया गया है पीडीएफ के अनुसार। तो जिन बच्चों को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एसआई के लिए आवेदन करना है वो फटाफट से सरकारीexam.com पे आएं, लिंक लगी हुई है, फॉर्म अवेलेबल है, फटाफट से इस फॉर्म को भर ले बिना लास्ट डेट की प्रतीक्षा किए। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों बच्चों तक भी पता चले कि सीआरपीएफ एसआई और हेड कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, सरकारी एग्जाम पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।